गढ़चिरौली पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए एनकाउंटर में 3 खूंखार नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों में कमांडर बिटुल मडावी भी शामिल है। भारी मात्रा में पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। कल शाम में हमें गोपनीय माहिती मिली थी कि पेरीमली दलम और अहेरी दलम के नक्सल मन्ने राजाराम के जंगल परिसर में रुके हुए हैं डेरा डाल करके, और एक में जो महाराष्ट्र दिवस साजरा करते हैं हम, उसके अनुसंगाने वो एक बड़ी मोटी घातपात का घटना करने के नियोजन में है। और उस मुताबिक हमने 2 C60 की पथक को तत्काल रवाना किया था प्राणिता कैंप से, और जब सर्चिंग ऑपरेशन चल रही थी तो हमारे ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की गई, और उसके प्रत्युत्तर में हमने जब फायरिंग की तो उसमें सर्च ऑपरेशन के दरमियान हमें 3 पुरुष नक्सल डेड बॉडी मिली है। उसमें एक बिट्टू मडावी जो कमांडर है पेरीमली दलम का, एक श्रीकांत जो डिप्टी कमांडर है अहेरी दलम का, और वासु जो पेरीमली दलम में कार्यरत था, ऐसे 3 लोगों की, तीनों के ऊपर कुल मिलाकर के 38 लाख रुपये का इनाम है महाराष्ट्र शासन का। इनको हमने न्यूट्रलाइज किया है कल, और भारी मात्रा में हमें हथियार दारूगोड़ा और नक्सल साहित्य हमने जब्त किया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि नक्सलियों के खिलाफ उनका ऑपरेशन जारी रहेगा। गढ़चिरौली से राशिद फाजला ने की रिपोर्ट।